दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। बदरपुर से दो बार विधायक रह चुके राम सिंह नेताजी के बेटे तरुण कुमार को हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल करने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बदरपुर निवासी नीलदत्त शर्मा के रूप में हुई है। नीलदत्त शर्मा बदरपुर विधानसभा से पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा का सगा बेटा है। पुलिस जांच में बात सामने आई है कि नीलदत्त शर्मा ने ही इंस्टाग्राम में महिला की फर्जी आईडी बनाई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जनहा से आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दक्षिण पूर्व जिला डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि 1 जुलाई को बदरपुर पुलिस स्टेशन में राम सिंह नेताजी के बेटे तरुण कुमार ने लिखित में शिकायत दी थी कि उसे इंस्टाग्राम पर एक पीहू नामक युवती हनी ट्रैप कर ब्लैकमेल कर रही है। बदरपुर थाना पुलिस ने FIR संख्या 0399/384/120 में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP बदरपुर अजय कुमार की सुपरविजन में बदरपुर थाना SHO विजय पाल दहिया के नेतृत्व में तेजतर्रार SI विवेक गौतम और हेड कांस्टेबल सुनील की एक क्रेक टीम बनाई गई थी। जांच टीम ने इस मामले में एक आरोपी सोन पलवल निवासी पवन कौशिक पुत्र धोले राम को पहले ही गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज चुकी है। गिरफ्तार यह आरोपी भी बदरपुर से पूर्व विधायक NDशर्मा के साले का बेटा है। गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करने के साथ इस क्राइम के मास्टरमाइंड पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा के बेटे नील दत्त शर्मा का नाम लिया था। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिया था, इसलिए जांच टीम बिना पुख्ता सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालना चाहती थी। जांच टीम ने साइबर सेल की मदद ली। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इंस्टाग्राम पर बनी महिला की फर्जी आईडी की जांच शुरू की तो साजिश की सारी परतें खुल गईं। साइबर सेल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इंस्टाग्राम पर महिला की फर्जी आईडी किसी नीलदत्त शर्मा नामक व्यक्ति ने बनाई है। पुलिस ने नीलदत्त शर्मा की इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि आरोपी बदरपुर से पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा का सगा बेटा है। जांच टीम ने आरोपी नीलदत्त शर्मा को जांच में शामिल होने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन आरोपी अपने पिता की पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक होने की धमकी देकर जांच से बचता रहा। जांच टीम जब आरोपी को गिरफ्तार करने उसके घर गई तो आरोपी नीलदत्त शर्मा अपने घर से नदारद मिला। नीलदत्त शर्मा के परिवार के अन्य सदस्यों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। परिवार के सदस्यों से सख्ती से पूछताछ की गई। साथ ही फरार आरोपी नीलदत्त शर्मा को सरेंडर करने के लिए रिलेटिव्स पर प्रेशर बनाया गया। बदरपुर से पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा ने अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता एविडेंस थे। पुलिस के बढ़ते दबाव और बचने का कोई और रास्ता न दिखाई देने पर पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा ने अपने चंद लोगों के साथ बदरपुर थाने को घेरने की योजना बनाई, लेकिन उसकी यह योजना सफल न हो सकी। बदरपुर थाना प्रभारी ने आरोपी नीलदत्त शर्मा को गिरफ्तार कर आरोपी के पिता पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा और उसके समर्थकों को थाने से उल्टे पैर भगा दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इंट्रोगेशन में आरोपी नीलदत्त शर्मा ने कबूल किया कि इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड वो ही है। इससे पहले भी वो कई लोगों को हनी ट्रैप से ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ चुका है। हनी ट्रैप से शिकार लोग समाज के डर से पुलिस में शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन आप नेता राम सिंह के लड़के को ब्लैकमेल करना उसे भारी पड़ गया। आरोपी नीलदत्त शर्मा ने आगे बताया कि नेता राम सिंह के लड़के को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपए ठगने की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने आरोपी नीलदत्त शर्मा को साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आगे की पूछताछ के लिए आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड पर और खुलासे होने की संभावना है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।